नमस्कार मंडळी, कसं काय आणि वेलकम टू माय चॅनल। तर थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे किस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम लेके आए हैं साल का दूसरा ब्लॉग, विच इज़ बहुत लोग को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको मेरा पुराना घर पता है, लेकिन हमने थोड़ा डीकोरेट किया है, थोड़ा फर्नीचर चेंज किया और थोड़े ये भी कुछ, मम्मी कुछ बोली वो PPCC मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ये वॉल नहीं है, ये ऑलमोस्ट वॉल से थोड़ा कवर करके ये है और काफ़ी सारे हमने डिज़ाइंस एंड थिंग्स चेंज किए हैं। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि पेंटिंग का जो एवरी ईयर का खर्चा होता है वो बच जाए, तो ये मोस्टली ख़राब नहीं होता। इस पर अगर कोई ज़ोर से बुक्का मारे या कीला या कुछ ऐसा रखे तो ये डैमेज होता है। वैसे ये शीट होता है, एक शीट, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गूगल से सर्च कर सकते हैं क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो शुरू करते, छोटा छोटा आपको चीज़ें बताता हूँ क्या क्या हमने चेंज किया, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मोस्टली पता होगा मेरा ओल्ड मतलब ओल्ड कैसा था और न्यू कैसा है अभी उनको पता चले। तो यहाँ ये मेरा नाम है, ये मेरी बहन का नाम है अलीशा। तो मोस्टली यहाँ हमने ज़्यादा कुछ ये किया नहीं है, पे ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं है, लेकिन इंटरनल पार्ट पे जैसे यहाँ टू स्पेस का फर्नीचर था, मतलब सोफा था और यहाँ वो राउंड सोफा था, लेकिन हमने चेंज करके इसको ऐसा वाला डिज़ाइन दिया। मैं वो तरफ से बताता हूँ तो अच्छा दिखे। तो पहले एक यहाँ अलग सोफे थे, अब यहाँ अलग सोफे हमने किए, ये स्पेस चेंज कर दिया है हमने थोड़ा। तो मोस्टली यहाँ भी पुराने लोगों ने जिन्होंने देखा है, यहाँ जो वॉलपेपर था वो डिफरेंट डिज़ाइन का था, लेकिन ये सेम जो इसका बिल्डिंग क्वालिटी है सेम वो वाला हमने यहाँ लगाया है। और हमने थोड़े लाइट्स में चेंजेस किए, अभी जैसे ये मॉर्निंग है तो दिखेगा नहीं, लेकिन आई विल ट्राई टू कीप। और मोस्टली ये झूमर जो है हमने रिप्लेस कर दिया था पुराने वाले से, और ये अभी एलेक्सा पे, गूगल पे, ऑनलाइन वाईफाई पे चलता है मोस्टली। मैं इसका भी एक बता दूंगा कैसे चलता है ये। टीवी सेट, टीवी भी चेंज करना है हमें, साउंड सिस्टम भी चेंज करना है। ये छोटे स्पीकर है, इनको रिप्लेस करके बड़े वाले लाना है, मे बी मेरे हाइट के इतने। और ऊपर भी स्पीकर थे, अगर किसी को मेरा पुराना घर याद है तो यहाँ भी दो स्पीकर थे जो हमने निकाल दिए हैं क्योंकि वो ठीक नहीं दिख रहे थे इसलिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे वाले बड़े साइज वाले स्पीकर लेंगे। ये डाइनिंग स्पेस है और पहले यहाँ कुछ नहीं था तो हमने ये स्टील का कप ला दिया है, जो है ऊपर का हमने सेम रखा है, ऊपर कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि ऊपर का अगर चेंज करने जाते तो ट्रिपल खर्चा होता बस। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो इसको बोलते हैं PVC। मैंने मम्मी को पूछा, हमारे पास 92 डिजाइन थे लेकिन इसमें हमने ये वाला डिजाइन सिलेक्ट किया कि ये हमारे पुराने वॉल से मैच हो रहा था और काफी अच्छा दिख रहा था। तो और यहाँ भी हमने वही सेम शीट लगाई है, PVC शीट। तो यहाँ की लेकिन डिजाइन अलग है, यहाँ की अगर आप डिजाइन देखेंगे तो ये थोड़ी अलग है, यहाँ की डिजाइन अलग है। और किचन का तो वो सेम ही है, और ये हमारा मंदिर है, पहले हमने मंदिर वहां डिसाइड किया था लेकिन वास्तु की वजह से हमने फिर यहाँ फिक्स कर दिया मंदिर को। और दिवाली के ब्लॉग में तो आपने देखा होगा मंदिर जैसे हमने डेकोरेट किया। ये सेकेंड बेडरूम है, ये मेरा रूम है, यहाँ पर आपको पता होगा गोल्डन कलर का था इससे पहले, और यहाँ जो था कबोर्ड वो अलग था। तो ये सोफा कम बेड है, इसे अगर हम खींचेंगे तो ये खुलता है और ये वाला मैट्रेस यहाँ आ जाता है। और थोड़े स्लाइडिंग्स में भी हमें चेंज करना है लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, बाद में चेंज करेंगे। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड वाला है, ये ओपन टॉप, सारे दरवाजे इसके खुलते हैं, ओपन अप होते हैं, ये भी मूव होता है और वो लास्ट वाला भी मूव होता है, ये वाला भी। तो फिलहाल अभी इसमें आपको अलीशा का पसारा दिखाता हूँ। ये बुक्स अभी हमारे फिलहाल स्टडी रूम हो गया है ये, क्योंकि मैं घर पे रहता नहीं हूँ इसलिए। ये वाला है मास्टर बेडरूम, वो था छोटा बेडरूम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिमोट वाला फैन है, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर मिरर्स है,
शोकेस है ये, और यहाँ पर डबल मिरर वाला भी है। अगर आप चाहे तो इसको यूं टर्न करके यह मिरर ले सकते हैं। मोस्ट